हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक। आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक के साथ, दैट इज डिमांड फंक्शन। अब समझते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या है। डिमांड फंक्शन हमें बेसिकली ये बताता है कि डिमांड किन किन डिटर्मिनेंट्स की वजह से अफेक्ट होती है, वो बढ़ती है या वो कम होती है। आइए समझते हैं। डिमांड फंक्शन हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है बेटा इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब ये इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन क्या कहता है, और फिर बात करेंगे हम मार्केट डिमांड फंक्शन की। एज वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, लाइकवाइज वी हैड स्टडीड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व, लाइकवाइज वी विल स्टडी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। अभी क्या बता रहे हैं कि वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि एक इंडिविजुअल की डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। कि वो किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी, अगर मैं कह रहा हूं एक कमोडिटी है एक्स, तो कोई भी इंडिविजुअल उस कमोडिटी एक्स की ज्यादा डिमांड करेगा या कम डिमांड करेगा। लाइकवाइज फॉर द कंप्लीट मार्केट, वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो एक्स कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं पूरी मार्केट के सभी कंज्यूमर्स से। राइट, तो आइए आज हम कवर करेंगे अपना पहला पार्ट, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। अब हम इसको लिखते कैसे हैं और इसको रीड कैसे करते हैं। क्वांटिटी ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, क्या है जी हमारा, वो पी एक्स पी आर वाई टी ई एंड एफ। मैं रिपीट कर रहा हूं, पी एक्स पी आर वाई टी ई एंड एफ। अब इसको स्टडी करते हैं ये कहता क्या है। अब बेटा इन डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने से पहले, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें एक स्टाइलाइजेशन की तरफ जाना है। अब वो टिपिकल स्टाइलाइजेशन क्या कहता है, वो है सिट्रस पेरिबस। अब ये सिट्रस पेरिबस क्या कहता है, सिट्रस पेरिबस कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल या कॉन्स्टेंट। अब इसका मतलब क्या है कि जब मैं इस पी एक्स एलिमेंट को स्टडी करूंगा तो ऑल अदर फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स विल बी कॉन्स्टेंट। अगर मैं पी आर को कंसिडर करूंगा तो इंक्लूडिंग पी एक्स ऑल अदर फैक्टर्स विल बी कंसिडर्ड कॉन्स्टेंट। लाइकवाइज अगर मैं ई एक्सपेक्टेशन को अगर मैं स्टडी करूंगा तो पी एक्स पी आर वाई टी एंड एफ ऑल आर कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टेंट। क्लियर है जी। तो इस सिट्रस पेरिबस, इस स्टाइलाइजेशन टिपिकल को हमें ध्यान में रखना है कि जब हम एक डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो बाकी सारे डिटर्मिनेंट जो हैं वो क्या है, कॉन्स्टेंट। अब सबसे पहले पढ़ते हैं जी पी एक्स। अब पी एक्स क्या है, इसको बोलते हैं जी ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब वो कमोडिटी हमने ले ली एक्स, कमोडिटी क्या ले ली हमने एक्स। तो अगर मैं एक्स को कंसिडर कर रहा हूं और एक्स का अपना प्राइस बढ़ता है या घटता है तो क्या होगा, ये हम पहले इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और कर्व और मार्केट डिमांड स्केड्यूल और कर्व में पढ़ चुके हैं, हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व भी पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड। मैं कहता हूं कि अगर ये है मेरे पास स्केड्यूल 1 2 3 3 2 1, तो मैं क्या कह रहा हूं, ये आ गया मेरा डिमांड कर्व। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस, ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो मैं कहता हूं अगर ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन डिमांड फॉर इट या क्वांटिटी ऑफ एक्स डिक्रीजेस। अगर मैं कहता हूं पी एक्स डिक्रीजेस देन क्यू ऑफ एक्स इंक्रीजेस। लाइकवाइज सी, अगर ये प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। प्राइस अगर मेरा पी से पी वन हुआ तो क्वांटिटी क्यू से क्यू वन हो जाएगी। ये बेटा पी एक्स कॉम्पोनेंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पी आर। अब पी आर इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब रिलेटेड गुड्स क्या है, रिलेटेड गुड्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आती है। पी आर इज प्राइस ऑफ
रिलेटेड गुड्स। इन रिलेटेड गुड्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा सब्स्टिट्यूट गुड्स, और फिर आते हैं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो हैं विच आर रिप्लेस्ड फॉर ईच अदर, रिप्लेस्ड फॉर ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, चाय नहीं पी तो कॉफी पी ली, कॉफी नहीं पी तो चाय पी ली। ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो हैं विच आर यूज्ड टूगेदर। एग्जाम्पल पेट्रोल कार एंड पेट्रोल, पेट्रोल कार एंड पेट्रोल। अब आपको यहां पे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज पे ध्यान देना है, हम यहां पे जो डिमांड फंक्शन पढ़ रहे हैं वो एक्स कमोडिटी का पढ़ रहे हैं, तो जब भी हम इनको स्टडी करेंगे तो हमें एक कमोडिटी को एक्स मानना पड़ेगा और कर्व हम उसका बनाएंगे, हम उसके सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड का कर्व नहीं बनाएंगे। हम किसका कर्व बनाएंगे? हम कर्व बनाएंगे एक्स कमोडिटी का, जिसको हमने एक्स लिया है। तो सबसे पहले मेरे पास आ गया सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है जी, या सॉरी इसको हम बोल सकते हैं, आपके लिए समझना जरूरी है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है देखिए, मैं मान रहा हूं कि मेरे पास दो गुड्स हैं टी एंड कॉफी विच आर रिप्लेस्ड फॉर ईच अदर, ये पी लिया या ये पी लिया। और अब मैंने क्या बोला, मैं टी को मान रहा हूं अपना एक्स प्रोडक्ट, क्या मान रहा हूं एक्स, तो मैं इसी का डिमांड कर्व बनाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसका डिमांड कर्व बनाऊंगा अगर कॉफी का प्राइस बढ़ता है या घटता है, कॉफी का प्राइस बढ़ता है या घटता है। तो देखिए होगा क्या, अगर मैं कहता हूं कि कॉफी का प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ तो कॉफी महंगी हो गई, तो क्या होगा, द यूजर्स ऑफ कॉफी यानी कि जो चाय कॉफी पीने वाले हैं वो चाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो डिमांड कर्व है एक्स का यानी कि टी का, वो कैसे हो जाएगा, अगर प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज होता है तो डिमांड फॉर कॉफी विल इंक्रीज, तो मेरा कर्व डिमांड कर्व डी से डी वन पे शिफ्ट हो गया, क्लियर है, एंड वैसे वर्षा। अगर मैं कहता हूं कि कॉफी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ रीजन, और ये एक्स यानी कि टी का आ गया डिमांड कर्व। अब जब कॉफी का प्राइस कम हो गया तो ज्यादा लोग कॉफी पियेंगे तो टी की डिमांड कम हो जाएगी, तो ये डी से डी वन। अब क्या हुआ, मेरा जो डी जो टी का डिमांड कर रहा है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। बेटा ये चीज मैं बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यहां पे क्वांटिटी ली है और यहां पर प्राइस, एक्सिस पे क्वांटिटी और यहां पर प्राइस, क्लियर है जी। अब बात करेंगे हम किसकी, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं कि विच आर यूज्ड टुगेदर, फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड पेट्रोल कार, पेट्रोल एंड पेट्रोल कार। अब मैं पेट्रोल कार को प्रोडक्ट एक्स मान के चल रहा हूं और पेट्रोल को उसका सब्स्टिट्यूट गुड, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ये है इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो अब हम देखेंगे कि पेट्रोल के प्राइस में राइज होने से या डिक्रीज होने से हमारी पेट्रोल कार के डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखते हैं। पहला केस, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस, इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस तो क्या होगा, देखिए जब प्राइस ऑफ पेट्रोल, ये हमारा डिमांड कर्व ऑफ पेट्रोल कार है, जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो लोग पेट्रोल कार कम खरीदना चाहेंगे क्योंकि उनको ये लगेगा कि भैया हमारा मेंटेनेंस जो है अब वो ज्यादा होगा, हमारा खर्चा ज्यादा होगा उसको चलाने में, तो क्या होगा, पेट्रोल कार का डिमांड कर्व जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा डी से डी डैश, फिर से यहां पर क्वांटिटी और यहां पर प्राइस। तो अब देखिए फिर हम क्या करें, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पेट्रोल के प्राइस का इफेक्ट हम इसके ऊपर देख रहे हैं, क्लियर है,
तो क्या हुआ, अब इसको हम और एनहांस कर सकते हैं कि सेम प्राइस पे, सेम प्राइस पे क्वांटिटी ये थी, अब सेम प्राइस पे क्वांटिटी ये है, तो ये पहले Q थी, अब क्या हो गई Q1, क्या होगी बेटा Q1। अब हम देख रहे हैं प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल्स, या प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल्स या डिक्रीज, तो क्या होगा देखिए, ये है मेरा पेट्रोल कार का डिमांड कर्व, यहां पर है बेटा क्वांटिटी, यहां पर है बेटे प्राइस। तो अब क्या हो रहा है, पेट्रोल का प्राइस गिर गया तो अब हम लग रहा है तो सस्ता है, ला जितना मर्जी घूमो, तो फिर क्या होगा, पेट्रोल कार की डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये हमारी पेट्रोल कार की डिमांड बढ़ गई, इसको भी एनहांस कर सकते हैं सेम प्राइस पे, कि पहले मेरी डिमांड ये थी क्यू, अब मेरी डिमांड हो गई वन, सेम प्राइस पे क्या हो गई जी, बढ़ गई, क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास वाई कंपोनेंट, ये वाला थर्ड कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट जो है ये डिनोट करता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर को, इसको डिनोट करता है जी इनकम ऑफ द कंज्यूमर को। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या करता है, आइए देखते हैं, थर्ड कंपोनेंट वाई, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कहता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप गुड्स ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे, इसके लिए हम अलग कैटेगरी ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स एंड सेकेंड इज इंफीरियर गुड्स। अब बेटा एक बात ध्यान रखो, एक पर्सन के लिए, फॉर एग्जाम्पल आई हैव मिस्टर एक्स, इनके लिए जो इंफीरियर गुड है वो मे बी मिस्टर वाई के लिए नॉर्मल गुड हो। अब ये डिपेंड करेगा इनकी इनकम पे, फॉर एग्जाम्पल इनके लिए फैन इंफीरियर गुड है लेकिन इनके लिए फैन नॉर्मल गुड है, बिकॉज मिस्टर एक्स इज अ रिच पर्सन एंड मिस्टर वाई इज अ पुअर पर्सन, मिस्टर एक्स इज अ रिच पर्सन एंड मिस्टर वाई इज अ पुअर पर्सन, क्लियर है जी। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहली बात ये समझिए कि अगर हम नॉर्मल गुड्स की बात करेंगे तो इनकी डिमांड, इनकी इनकम बढ़ने पर लोगों की इनकी डिमांड बढ़ जाती है, राइट, और अगर इनकम कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। यहां पर इंफीरियर गुड्स में अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो इनकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है, और अगर इनकम कम होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसका मतलब इन दोनों के केसेस में हमारी इनकम का ऑपोजिट इफेक्ट है, एक केस में बढ़ रहा है और दूसरे में कम हो रहा है। आइए समझते हैं, तो सबसे पहला मैं आपको कह रहा हूं नॉर्मल गुड। अब ये नॉर्मल गुड में हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस है इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, तो क्या होगा बेटे, मान लीजिए एसी, ये है मेरी डिमांड फॉर एसी, ये है क्वांटिटी, ये है प्राइस। अब मेरी इनकम थी 10,000, अब वो हो गई 20,000, तो क्या हुआ, पहले मेरे एक रूम में एसी था, अब मैंने दूसरे रूम में भी एसी लगाया, तो जब मेरी इनकम बढ़ी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो मेरी डिमांड फॉर एसी बढ़ गई, डी से हो गई D1, सेम प्राइस पे, ये हो गया बेटा क्यू और ये हो गया Q1। तो नॉर्मल गुड के केस में अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है, क्लियर है। सेकेंड केस, इफ इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स, तो क्या होगा, फॉल होगी तो मान लीजिए ये है मेरा डिमांड कर्व, अब पैसे कम है, पैसे कम है तो आप कम खरीद पाएंगे, राइट, जब आप कम खरीद पाएंगे तो इसका मतलब आपकी पहले डिमांड थी क्यू और अब आपकी डिमांड रह गई क्यू, तो ये रिड्यूस हो, क्लियर है जी। अब हम पढ़ेंगे इंफीरियर गुड्स का केस। अब इंफीरियर गुड्स क्या करते हैं, इंफीरियर गुड्स में हमारे पास वैसे वर्सा इफेक्ट आएगा इन कंपैरिजन टू नॉर्मल गुड्स। अब वो कैसे आएगा देखिए, क्योंकि इंफीरियर गुड्स क्या है,
जो हमें सस्ता लग रहा है। मान लीजिए आपकी इनकम है 2000 रुपए, तो आपने फैन खरीदा, अब आपकी इनकम हो गई 10000 रुपए, तो आप एसी खरीदना चाहेंगे, तो इनकम बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। आइए स्टडी करते हैं, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, क्लियर है जी। अब जब ये इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, यह डिमांड कर्व, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो वो क्या करेगा, इंफीरियर गुड कम खरीदेगा, डी से डी डैश। तो इसका मतलब पहले वो ले रहा था क्यू क्वांटिटी, अब वो लेगा क्यू वन क्वांटिटी एट सेम प्राइस, क्लियर। सेकंड केस आ गया हमारे पास, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर फॉल्स, जब फॉल हो रहा है तो क्या होगा, अब उसके पास पैसे कम हैं, जब पैसे कम हैं तो वो इंफीरियर गुड की तरफ जाएगा एंड डिमांड फॉर इट विल इंक्रीज, वो डी से क्या हो गई डी वन, यू गया बेटा क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे, यू गया बेटा प्राइस वाई एक्सिस पे। तो पहले अगर डिमांड ये थी क्यू, तो अब हो गई क्यू वन, क्योंकि इनकम घट गई तो उसकी अफोर्डेबिलिटी घट गई, अफोर्डेबिलिटी कम हो गई तो अब वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड ज्यादा, ये था हमारा थर्ड कंपोनेंट। पहला था Px, own price of the commodity, सेकंड था Pr, price of related goods, जिसमें हमने दो पढ़े, complementary goods and substitute goods, थर्ड पढ़ा हमने income, income क्या है हमारी, income of the consumer, उसमें हमने दो केसेस फिर से पढ़े, normal good और inferior good। अब हम पढ़ रहे हैं अपना फोर्थ कंपोनेंट T, ये है बेटा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी वजह से भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये फैशन की वजह से हो सकता है, ये लाइकिंग या डिसलाइकिंग की वजह से हो सकता है, ये क्लाइमेट या वेदर की वजह से हो सकता है। एग्जाम्पल, गर्मियों में शायद आपको आइसक्रीम खानी ज्यादा अच्छी लगे इन कंपैरिजन टू विंटर्स, एसी चलाना हम सबको अच्छा लगेगा समर्स में इन कंपैरिजन टू विंटर्स, क्लियर है। तो सीजन, वेदर, क्लाइमेट, हम सब चीजें इसमें कवर करके चलते हैं। अब मैं आपको बड़ा छोटा सा और बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, सब जानते हैं, जिसने बुलेट लेनी है तो लेनी है, उसको ये मायने नहीं रखता कि आज वो 1.5 लाख की है या 1,75,000 की है या 2 लाख की है, तो वो पापा मम्मी के पीछे पड़ा रहेगा, उनको पता है इनकी अफोर्डेबिलिटी है, तो वो क्या करेंगे, वो पीछे पड़ा रहेगा जी बुलेट लेनी है, क्यों, क्योंकि वो लाइकिंग में आ गई, फेवरेबल। तो अब इसके अंदर हमारे पास दो केसेस आते हैं, या तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस डेवलप होगा या नहीं होगा। इसका मतलब पहला केस आ गया फेवरेबल और दूसरा केस आ गया अनफेवरेबल। अब फेवरेबल केस में क्या होगा, अगर आपने फेवरेबल टेस्ट डेवलप कर लिया किसी चीज के लिए तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ये बेटा डिमांड कर्व, तो बुलेट लेनी है तो लेनी है, इसका मतलब ये थी मेरी इनिशियल डिमांड क्यू, अब हो गई मेरी क्यू। और अगर मान लीजिए कोई चीज अब हमें नहीं पसंद, फॉर एग्जाम्पल फिजिट स्पिनर्स का फैड आया था, एकदम से मार्केट में आया, एकदम वैनिश हो गया, हर बच्चा हर बंदा फिजिट स्पिनर लेके घूम रहा था, अब अगर आप खेल खेल कर बोर हो गए, अब आपको वो नहीं पसंद है, तो यू हैव डेवलप्ड एन अनफेवरेबल टेस्ट, राइट, तो क्या होगा, उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्राइस क्वांटिटी क्वांटिटी। तो पहले डिमांड क्या थी क्यू, अब डिमांड क्या होगी क्यू वन, तो इसका मतलब जब लाइकिंग, फैशन, क्लाइमेट ये चीजें बदल जाती हैं तो हमें किसी भी प्रोडक्ट की या तो फेवरेबल डिमांड होगी या अनफेवरेबल डिमांड होगी, अगर फेवरेबल डिमांड होगी तो हम ज्यादा लेंगे, अनफेवरेबल होगी तो हम कम लेंगे, क्लियर है। अम्ब्रेलास का एग्जांपल ले लीजिए, रेनी सीजन है तो अम्ब्रेलास की डिमांड बढ़ेगी, रेनकोट की डिमांड बढ़ेगी, राइट। अब हम आते हैं अपने फिफ्थ कंपोनेंट पे, विच इज ई, ई इज एक्सपेक्टेशंस। अब ये जो बेटा एक्सपेक्टेशंस है ना, दिस इज रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी इन नियर फ्यूचर, अवेलेबिलिटी इन नियर फ्यूचर। मान लीजिए इसमें दो बड़ी एग्जांपल्स लेंगे हम,
पहला मैं कह रहा हूं कि अभी मान लेते हैं गर्मियां शुरू हुई, समर सीजन, तो क्या होगा, आप गए मैंगोज लेने, तो उन्होंने बोला कि 100 रुपए किलो, आपको अरे भाई पागल हो गया 100 रुपए किलो, तो आपको वो रेडी वाला क्या बोल रहे, अरे बाबू जी ऐसा है कि अभी नया नया आया है ना आम, धीरे धीरे और आ जाएगा तो रेट कम हो जाएगा, तो क्या होगा, आप क्या देख रहे हैं कि उसकी फ्यूचर में अवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है, फ्यूचर में जब अवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है तो क्या होगा, उसका प्राइस रिड्यूस होने के चांसेस होंगे, क्लियर है। तो अब यहां पे एक बात आप ध्यान रखें, ये जो एफ कंपोनेंट है ये हमें बताता है फ्यूचर प्राइस, और जो फ्यूचर प्राइस है वो कहां है, नियर फ्यूचर पे, किसमें है, नियर फ्यूचर में, और वो डिपेंड करेगा किस पे, अवेलेबिलिटी पे, किस पे डिपेंड करेगा, अवेलेबिलिटी पे, या इसके अंदर एक कंपोनेंट और आता है डिमांड पे, पर क्योंकि हम इसका इफेक्ट डिमांड पे पड़ रहे हैं तो हम यहां पे इस डिमांड के फैक्टर को इग्नोर करके देखेंगे, अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो प्राइस कम होगा, अवेलेबिलिटी कम होगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो क्या कह रहा है कि बाबूजी अभी और आम आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी, और दूसरा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर के अंदर अवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो क्या होगा, अगर आपको मालूम है कि अवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है तो आप क्या करेंगे, तो आज आप एग्जिस्टिंग प्राइस पे कम खरीदेंगे, यह डिमांड कर डी वन, क्योंकि अवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है तो वी आर श्योर कि प्राइस क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो आज हम एग्जिस्टिंग प्राइस पे क्यू की जगह क्या करेंगे, क्यू बांधेंगे कि चलो भाई अभी 1 किलो बांध रहे, नया नया आया हम टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, और आएगा तो ठीक है 2 दिन बाद 4 दिन बाद 2-4 किलो ले लेंगे। लाइकवाइज इधर अगर अवेलेबिलिटी रिड्यूस होने वाली है, अगर अवेलेबिलिटी रिड्यूस होने वाली है तो हम क्या करेंगे, हम आज उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, तो इसका मतलब ये प्राइस, ये क्वांटिटी, हम उसकी डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें हो रहा है कि भैया सीजन जा रहा है, गर्मियों का सीजन जा रहा है, आम खत्म हो रहे हैं, अरे भैया फिर से 100 रुपए किलो हो गया आम, हाँ जी बाबू जी अब क्या करें, आम खत्म हो रहा है ना, अरे आज तो 100 रुपए मिल रहा है, 2 दिन में देखना 120-125 रेट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, आज हम सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी खरीद लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि नियर फ्यूचर में अवेलेबिलिटी गिरने वाली है। बेटा ये जो एफ कॉम्पोनेंट है फ्यूचर प्राइस, ये इसके अंदर सेम डायग्राम्स बनेंगे, कई ऑथर्स इस एफ को फ्यूचर प्राइस जो है नियर फ्यूचर में उसको हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन कुछ ऑथर्स ने किया है तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है। आप अगर सिर्फ ये 5 कंपोनेंट करते हैं देन ऑल्सो इट इज मोर देन इनफ एंड दैट मच इज रिक्वायर्ड। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर था, इंटरेस्टिंग था, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, विल सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।